हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से। आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट, और आज हमने सबसे पहले तो मोइज़ की कटिंग करवानी है। मोइज़ की कटिंग हम अपने दोस्त की दुकान से करवाएंगे, वहाँ पर उसको लेकर जाएंगे। मोइज़ बेटा, कैसी कटिंग करवानी है? गंजा होना है, छोटे करवाने हैं बाल? अच्छी कटिंग करवानी है, वो वाली कटिंग करवा दूँ जो तेरे नाम फिल्म में करवाई थी सलमान खान की? हाँ, कौन सी करवानी है बताओ? छोटी। तो अभी हम निकलेंगे, मोइज़ की कटिंग करवाएंगे और दोस्त को उठाते हैं, उसके बाद जाएंगे, दोस्त की ही दुकान है, उसके पास जाके इसकी कटिंग करवाने के बाद। जी, पहुंच चुके हैं हम आफ्ताब भाई के पास। आफ्ताब भाई इसकी कटिंग करेंगे। मोइज़, कौन सी कटिंग करवानी है बताओ? इसको टार्जन बना दे, टार्जन। और टार्जन क्या होता है? ये जी चेक करें फाइनल लुक। पहले ये कहता था कि मैंने गंजा होना है, लेकिन अब ये फैसला चेंज कर लिया, इसने कटिंग करवा ली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे भी बड़े भाई। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कहीं जाने का। आप कहाँ जा रहे हैं ये आपको खुद बताएँगे। आज हम जा रहे हैं, मैंने हामिद को बोला है कि यार यहाँ तो बेलना लगा हुआ है। मेरे दुबई में जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि वहाँ का ताज़ा गुड़ लेके आओ, तो मैंने हामिद को रिक्वेस्ट करी है कि यार कहीं बेलने में लेके जाओ मुझे। अभी जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ बेलना लगा हुआ है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं और फिर वहाँ जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। रास्ते का व्यू आप चेक कर सकते हैं, बाकी जो कुछ भी हम चेक करवाएंगे वो वहीं पहुँच कर चेक करवाएंगे। अभी तो है ना, पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। ये आसपास हमारे सब खेत हैं, ये पता नहीं किसने बेलना लगाया, कोई पता नहीं। तो अभी पहले तो ढूंढेंगे ना जाके किस जगह पे लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे और आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। एक वीडियो बनावनी आई चल ठीक है। अच्छा फिर ठीक है चाचा। तो फाइनली गाइस, जिस लोकेशन पर हमें पहुंचना था वहां पर हम तकरीबन आधा घंटा जलील होने के बाद पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर हम कॉल करके रब्ता किया था हमने पहले अपने दोस्त से कि भई यार यहाँ पर बेलना किस जगह पर लगा हुआ है। तो उसने हमें जब लोकेशन बताई, आधा घंटा हम पूछते रहे, तो जब हमें मिला तो यहाँ पर हमें ये इस कंडीशन में मिला। तो यहाँ पे कल ही वो बुज़ुर्ग मिले हमें, उन्होंने बताया कि कल ही यहाँ से वो क्लोज़ करके गए हैं तकरीबन कल मगरिब के टाइम। तो जब हम पहुँचे तो हमारे नसीब में नहीं था, और हमने आपको दिखाना था कि किस तरीके से यहाँ पर गुड़ बनता है। और ये आप यहाँ पर गन्ने भी देख सकते हैं नीचे, ये तकरीबन सारी जगह इन्होंने कवर की हुई है, और इस जगह पर वो बनाते रहे हैं ये भट्टी वगैरह। और इनका बड़ा प्रोजेक्ट होता है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं यहाँ पर बनाने के लिए। ये सारा व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ गन्ने के छिलके मौजूद है यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं मिला हमें। वो ज़ुबैर भाई भी बहुत परेशान हैं कि भैया हम इतनी दूर आए लेकिन हमें यहाँ पे मिला कुछ भी नहीं है। तो अभी ज़ुबैर भाई से उनसे पूछते हैं कि उनके क्या हालातों वाक़ियात हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। तो अभी उन्हीं से पूछ लेते हैं। ज़ुबैर भाई, बेलना तो यहाँ पर नहीं है, क्या फीलिंग्स हैं? अब देखते हैं, तीन बंदों को तो फ़ोन कर दिया,
तो भाई अभी फ़ोन करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अभी बुज़ुर्ग से भी उन्होंने पूछा है, फ़ोन भी किया अपने दोस्तों के, क्योंकि यार और किस जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाएंगे। बेलना गुड़ चाहिए, ये व्यू चेक करें यहाँ का, गाइज यहाँ पर कुछ मदरसे के बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यार यहाँ पर जो बेलना था वो कब गया, किधर गया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बेलना था, बेलना कहाँ गया? पता नहीं, ऐसा तक बारू आया यहाँ कुनिया चु। कुंदिया तो आए हुए हो जी? इतने मदरसे च पढ़ते हो? नहीं इतने नहीं, कुनिया पढ़ते हैं। कुंदिया जी? तो इतने के करेंदे पे हो? इतने नहीं, फिर दे पूरे वदे शादी ते। शादी ते केड़ी जाते? वांडी च। वांडी जोईयां वाली? वांडी जोईयां वाली वांडी जी। ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਕਿਥੇ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਡਿਠਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ? ਹੈ ਇਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੇਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੇ? ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਣ। वेलकम बैक अनदर डे। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमें मगरिब हो गई थी वापस आते आते, तो तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी। वीडियो एडिट करके मैं सोने लगा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो का एंड पॉइंट जब तक ना होता। ये ज़ुबैर भाई मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं, दुबई से आए हुए थे एक महीने की छुट्टी, तो इनका अचानक प्रोग्राम बना कि हम गन्ने के बेलने पे जाते हैं, वहाँ पर ताज़ा गुड़ बन रहा होगा। तो जब इनके कुलीग्स वहाँ पर जो काम करते हैं वो कहते हैं कि आप कुदरती छुट्टी तो जा रहे हो पाकिस्तान, तो जब वहाँ जाओ तो अब गन्ने का सीज़न है, गुड़ वगैरह बन रहा होगा, तो हमारे लिए ताज़ा गुड़ लेके आना। तो इन्हीं के प्रोग्राम, इन्हीं के मंसूबे की वजह से हम वहाँ गए। इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था, यार हमने वहाँ जाना है, हमने वीडियो भी शूट करनी है उनको दिखाने के लिए, और वहाँ से गुड़ भी ताज़ा लेकर आना है। तो गए, हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन आज फ्राइडे है, आज हमारा फिर प्रोग्राम है जाने का। अगर आज हमें मिल गया तो कंप्लीट उसकी वीडियो बनाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम डेली व्लॉग बनाते हैं, डेली रूटीन व्लॉग बनाते हैं। आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आएंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज हामिद अली को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।